गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व में यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत रेशियो एनालिसिस में लाभदायकता अनुपात में एक अनसोल्व क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्ययन करने से पहले एक आपको छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हारना गिर के, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इस प्रकार आज हम रेशियो एनालिसिस में यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में एक अनसोल्व क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है कि डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट किसी कंपनी या फर्म की ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, परचेज 4 लाख है, कैरिज इनवर्ड 50,000 है, वेजेज 2,50,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 2,20,000 है, सेल्स 9 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट में 2,20,000 आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,30,000 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 21,000 है, नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल 500 और लीगल 2,000, इस प्रकार 2,500 आएगी। नेट प्रॉफिट 70,000 है, नन ऑपरेटिंग इनकम में 1,000 इंटरेस्ट है, डिविडेंड ऑन शेयर 2,000 है, सेल ऑफ फिक्स असेट्स 500 है, तो इस प्रकार 3,500 ये अपने आ गया। अब इसमें अपने को कैलकुलेट करनी है ऑपरेटिंग रेशियो, परिचालन अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सकल लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अगर ये प्रश्न आपने सोल्व कर लिया तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है जो कि आपके बुक का अनसोल्व क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हम इसका अध्ययन करेंगे जिसमें पहला रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो। परिचालन अनुपात, इसका फॉर्मूला मैंने जैसे आपको बताया पहले, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इस प्रकार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम निकालें तो सर्वप्रथम ओपनिंग स्टॉक 1 लाख प्लस परचेज 4 लाख, 4 लाख प्लस कैरेज मजदूरी जो भी है भाड़ा 50,000, वेजेज 2,50,000। इसमें से हम घटा देंगे, इसमें से हम घटाएंगे जो भी अपना ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 माइनस 1,20,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,30,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 21,000। तो इस प्रकार इनको जोड़ने के बाद में घटाने पे 5,50,000 प्लस 2,50,000, 5,50,000 हो गए 7,50,000, 1,20,000 प्लस 21,000 को कैलकुलेट करने से अपने सामने ये राशि आती है, इसमें घटा देंगे इसको, 83,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स अपनी कितनी है, सेल्स है अपनी
9 लाख, तो ये 9 लाख इंटू 100। इस प्रकार इसकी कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा अपना 92.33% ऑपरेटिंग रेशियो। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम दूसरे रेशियो की बात करें इसी में ही, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपने सामने है अपने ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में 2,20,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स है 9 लाख इंटू 100, 3 ये काट देंगे, 9, 18, 2.24% ये अपना आ जाएगा 24.44% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इस प्रकार हमने ऑपरेटिंग रेशियो की गणना की, कैसे की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ के जो भी अपना इसमें आया इसमें से नेट सेल्स का भाग दे के 100 से गुणा करके अपने ऑपरेटिंग रेशियो 92.33% और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, जैसे कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपने क्वेश्चन में दे रखी है 2,20,000 और नेट सेल्स 9 लाख इंटू 100 24.44%, ये अपनी ग्रॉस प्रॉफिट अपने सामने आ गया। तीसरे रेशियो की हम बात करेंगे, यहाँ पर तीसरा रेशियो अपने सामने है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इनटू 100। जैसा कि नेट प्रॉफिट आपके इसमें दे रखा है 70,000 ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो 70,000 नेट प्रॉफिट जबकि नेट सेल्स है 9 लाख इनटू 100। इस प्रकार इसकी कैलकुलेशन करेंगे 7.78% ये इसका आंसर आ गया 7.78% नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इनटू 100 के आधार पे कैलकुलेट यहाँ पर अपन करेंगे। आगे हम यहाँ पर रेशियो की बात करें जो लास्ट है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फोर है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको पूर्व बताया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा या सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जैसा कि हमने कैलकुलेट की थी पिछले क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक परचेज कैरीड वेजेज में से सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक घटा करके, तो ये अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको पता होगा पहले जैसे किया था हमने 6,80,000 आई थी। एवरेज स्टॉक बात करें तो एवरेज स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक अपना है 1 लाख प्लस
क्लोजिंग रजिस्टर 1:20। डिवाइड बाई टू, यहाँ पर आ गई अपनी 2,20,000 डिवाइड बाई दो 1,10,000। 1,10,000 अपना एवरेज स्टॉक आ गया। 1,10,000 इंटू 100 तो ये अपना आ जाएगा 6.18 times। इस प्रकार हमने आज चार रेशो का अध्ययन किया, जिसमें पहला ऑपरेटिंग रेशो, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तीसरा नेट प्रॉफिट रेशो, तीसरा स्टॉक टर्न ओवर रेशो। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि इसमें संक्षिप्त रूप में दोबारा से इस क्वेश्चन का अपन हल करेंगे, समझेंगे इसको। ऑपरेटिंग रेशो ज्ञात करने का सूत्र था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर एक्सपेंसेस बटा नेट सेल्स इंटू 100। उसके आधार पे हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली, कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक परचेज वेजेज कैरीज इनवर्ड, इनको जोड़ के ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटा के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की गणना की, उसमें नेट सेल्स का भाग दे दिया तो अपनी ऑपरेटिंग रेशियो 92.33% आ गया। इसी प्रकार आगे इसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट की गणना की, जो कि आपके ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंतर्गत ग्रॉस प्रॉफिट 2,20,000 था, इसमें नेट सेल्स का भाग दे दिया तो अपना नेट ग्रॉस प्रॉफिट 24.44% आ गया। तीसरा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हम ज्ञात करते हैं तो नेट जो भी अपना ये नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इंटू 100 का भाग देके अपन नेट प्रॉफिट रेशो की गणना करते हैं। इस प्रकार ये 7.78% आ गया। चौथा लास्ट स्टॉक टर्न ओवर रेशो, स्टॉक टर्न ओवर रेशो में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक का भाग देके स्टॉक टर्न ओवर रेशो की गणना की जाती है। तो हमने स्टॉक टर्न ओवर रेशो में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की गणना की, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के इसमें क्वेश्चन में आया था, अपनी अमाउंट आई थी 6,80,000, इसमें एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 1,00,000 और क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, 2,20,000 में 2 का भाग देने पर 1,10,000 अपने सामने आ गया। इसको मल्टीपल 100 से कर दिया तो 6.18 times अपना स्टॉक टर्न ओवर रेशो आ गया। इसी क्रम में आगे हम और भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों या विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलों का अध्ययन करेंगे रेशियो एनालिसिस से संबंधित। इसी से संबंधित सभी क्वेश्चन, सभी प्रश्न आप आसानी से एग्ज़ाम में कर सकेंगे, जो कि आपकी ये यूनिट संख्या 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट EFM पेपर 2 के अंतर्गत रेशियो एनालिसिस में मुख्यतया हमने विभिन्न प्रकार के अनुपातों का अध्ययन किया, जिसमें पहला था वित्तीय एवं बैलेंस शीट के आधार पर करंट रेशियोज़, क्यूक रेशियोज़ और एक्टिविटी रेशियोज़ का अध्ययन किया, और लाभदायकता अनुपात और विभिन्न प्रकार के अर्जनों का विभिन्न रेशियो का अपने अध्ययन किया। आगे हम इसी क्रम में इसी से संबंधित सभी प्रश्न आपको एक नोट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, जिसका आप इसी के आधार पर उनका समाधान व सॉल्यूशन करें, जिससे इससे रिलेटेड प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में रेशियो एनालिसिस से संबंधित एक प्रश्न अधिकतर या पूछा ही जाता है, तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी के आधार पे सभी प्रश्नों का अपने को हल करना है। तो रेशियो एनालिसिस से संबंधित प्रश्न हो सकता है, मेरी दृष्टि से कोई भी प्रश्न गलत भी नहीं होगा, मैं ये आशा करता हूँ। आगे हम इसी अनुपातों के बारे में अपन अध्ययन करें, दोबारा से पुनः रिपीट करें कि लाभदायकता अनुपात प्रॉफिट के आधार पे या प्रॉफिट के आधार पे उनको कैलकुलेट करते हैं। इसमें मुख्यतया शुद्ध विक्रय को लिया जाता है। कोई भी फर्म या कंपनी मतलब लाभ को या लाभ के क्रियान्वयन के आधार पर ही इसकी कैलकुलेट करती है और उसका एनालिसिस भी करती है। तो इस प्रकार लाभदायकता अनुपात में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसका हमने आज अध्ययन किया। और इसी रेशियो में आगे हम विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल रेशियोज़ का भी अध्ययन करेंगे, और भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों का भी अध्ययन करेंगे।
जो कि एक आपको एक YouTube के चैनल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो लाभदायकता अनुपात एक महत्वपूर्ण अनुपातों की श्रेणी में है। तो इससे संबंधित प्रश्न है, जैसे कई बार तो आपसे पूछा जाता है, इसमें और भी विभिन्न प्रकार के अनुपात ज्ञात कर सकते हो, जैसे पूछ ले आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अनुपात ज्ञात कीजिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बटा नेट सेल्स इनटू 100 के आधार पे कैलकुलेट कर सकते हैं। या पूछ सकता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अनुपात की गणना करो, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बटा नेट सेल्स इनटू 100। हो सकता है आपसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में पूछे, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स इनटू 100। जैसा कि यह आवश्यक नहीं कि ये चार प्रश्न ही हो, जैसे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की गणना करनी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स इनटू 100। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 130,000 है बटे नेट सेल्स यहाँ पर 900,000 है इनटू 100। इस प्रकार से हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की गणना कर सकते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की भी गणना कर सकते हैं। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में 21,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू 100 के आधार पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की गणना कर सकते हैं। तो ये लाभदायकता अनुपात आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए इसी से संबंधित प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच।